सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज आयुष एंड आज मैं आप लोगों के साथ में एक फर्स्ट ड्राइव इंप्रेशन शेयर कर रहा हूँ दी ऑल न्यू 2020 रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 का। ये बाइक कैसी है, इसको चला के देखेंगे, दिखने में कैसी है, फीचर्स कैसी है, वो सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को बताते चलूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको ये कार ऑन करते हैं जिसको आप सेल करना चाहते हैं तो कार्स 24 आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। वहाँ पर RC ट्रांसफ़र फ्री में आप लोगों को कर दी जाएगी और साथ ही साथ अपनी गाड़ी का एक अपॉइंटमेंट बुक करवाइए, लिंक उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। गाड़ी का इंस्पेक्शन करवाइए, आप लोगों को जो आसपास का एरिया है जहाँ पर आप जाकर सेल करेंगे वहाँ से तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी प्राइस में जो है आप अपनी गाड़ी को सेल कर पाएंगे। तो एक बार कार्स 24 को ज़रूर से ट्राई करिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पर जाके अपॉइंटमेंट बुक करें। बाइक को कंपनी ने आज इंडियन मार्केट में लॉन्च करा है 3 वेरिएंट के अंदर, सुपरनोवा, स्टेलर, फायरबॉल। फायरबॉल और स्टेलर का आप लोगों को एक डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू देखने को मिल जाएगा चैनल पे। नहीं देखा है आपने तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पर जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ये टॉप एंड वेरिएंट है सुपरनोवा, इसमें क्या कुछ फीचर्स वगैरह मिलते हैं। लाइक टॉप एंड वेरिएंट है तो आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को इसके अंदर मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले फ्रंट डिज़ाइन जो है उसको देख लेते हैं कि इसमें आप लोगों को क्या कुछ फीचर्स कंपनी ने दिए हुए हैं। तो सुपरनोवा और स्टेलर में आप लोगों को जो है ये फ्रंट ग्लास जो है इंडिकेटर का वो तो आप लोगों को ऑरेंज में ही मिलता है, बट जो ये पीछे का असेंबली है वो ब्लैकआउट ट्रीटमेंट में मिलता है। इसमें क्रोम दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोगों को क्रोम मिलता है और जो हेडलाइट है वो पूरी सेम है। यहाँ पर आप लोगों को जो LED DRLs मिलती है और जो हाई बीम लो बीम है वो आप लोगों को एक बल्ब मिलता है नॉर्मल हैलोजन। 41mm के फ्रंट में मैसिव टेलीस्कोपिक फॉक्स दिए गए हैं। यहाँ पर आप लोग डिस्क ब्रेक देख सकते हैं, ड्यूल चैनल EBS से बाइक लेस है, 190/19 inches का ये अलॉय व्हील लगाए गए हैं। उसमें नॉर्मल ब्लैक मिलते हैं, ये ड्यूल टोन का है, लाइक ये सिल्वर कलर की स्ट्रिप्स जो हैं इन अलॉय व्हील्स पे मिलती है और ये दूर से देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। साथ ही ये ड्यूल क्रेडल फ्रेम के ऊपर बेस्ड है, चेसिस जो है यहाँ पर दिख रही है बाइक की और ये काफ़ी अच्छी है। मनुवर करने में कैसी है उन सभी बारे में बात करेंगे जब आगे मैं इस गाड़ी को चला के आप लोगों को बताऊंगा। साइलेंसर जो है, एग्जॉस्ट है, ये सभी आप चीज़ देख सकते हैं, क्रोम के अंदर दिया हुआ है। तो क्रोम जो वर्क है वो इस गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से करा है। इंजन की बात करें तो 349cc का एयर ऑयल कूल्ड इंजन जो है कंपनी इसको बोल रही है। 20.2 BHP की पावर, 6100 RPM पे 27 Nm का टॉर्क, 4000 RPM पे मिलता है। 5 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स जो है वो दिया हुआ है। साइड पोर्शन की बात करूँ तो ये जो पोर्शन है क्रोम में दिया हुआ है, बीच में रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है और ये कस्टमाइज होता है, लाइक इसके अंदर भी आप अलग अलग ऑप्शंस जो है चूज़ कर सकते हैं। बेसिक स्टॉक है ये बाइक, इसके अंदर कोई भी एक्सेसरीज लगी हुई नहीं है। ये अगर आप परचेस करेंगे तो ये आपको ऐसी मिलेगी। लेग गार्ड जो है उसके अलग अलग ऑप्शन है, शायद 8 से 10 ऑप्शन है, वो भी आप चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। एग्जॉस्ट जो है वो स्लिप ऑन एग्जॉस्ट, इसके अंदर आप लोगों को अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, ब्लैक कलर के अंदर भी ऑप्शन मिलेगा, साउंड का अलग अलग ऑप्शन मिलेगा, वो भी आप डलवा सकते हैं रॉयल एनफील्ड के शोरूम पर जाके उन सभी की डिटेल्स ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को जो साइड पैनल है ये ड्यूल टोन के अंदर मिलता है, इसमें ड्यूल टोन शेड मिलता है, ग्रे स्ट्रिप बीच में मिल रही है और यहाँ पर मीटियोर 350 लिखा हुआ है और अगेन ये ग्रे स्ट्रिप यहाँ पर भी कैरी फॉरवर्ड की गई है। फ्रेम जो है वो कंटिन्यूसली सभी जगह जो है विजिबल हो रही है। तो ये सभी सीन है, साथ में रियर सस्पेंशन जो है वो आप लोगों को यहाँ पर एडजस्टेबल मिलते हैं। रियर में ये डिस्क ब्रेक दिया हुआ है जिसकी साइज़ काफ़ी अच्छी है और डेफिनेटली ब्रेकिंग जो बाइक्स हैं वो काफ़ी अच्छी आती है। रॉयल एनफील्ड की अगर पास्ट की बात करें तो फ्यूचर काफ़ी अच्छा होने वाला है, बिकॉज इसके जो ब्रेक्स हैं वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे हैं और अभी राइड के टाइम पे मैं आप लोगों को उनके बारे में बताऊंगा अभी सही टेस्ट करके। अब चलते हैं पीछे की साइड, अगेन 18 इंचेस का टायर जो है आप लोगों को इसके अंदर मिलता है। यहाँ पर जो है आप अगर जब चढ़ेंगे तो कई बार ऐसा हो जाता है कि फुट जो है वो यहाँ पर टच हो जाता है, जैसे कि गंदा हो रहा है, रॉयल एनफील्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये ड्यूल टोन में सीट दी हुई है जिसमें स्टिचिंग्स भी आप लोगों को अलग कलर की मिलती है और ये ग्रे स्ट्रिप्स यहाँ पर जा रही है पूरी तरफ सीट पर, उसको अपन आगे देखेंगे। पीछे देखते हुए चलते हैं, अगेन यहाँ पर क्रोम वर्क किया हुआ है, लाइट्स मिलती हैं आप लोगों को, यहाँ पर हैलोजन में बल्ब मिलते हैं आपको टर्न इंडिकेटर्स में, एंड यहाँ पर जो है नंबर प्लेट की लाइट एंड रिफ्लेक्टर्स जो हैं वो दिए गए हैं। साइड पोर्शन की बात करें तो सारी गार्ड आप लोगों को मिल जाता है, साथ ही लीडी फुटरेस्ट भी दिया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ये एक काइंड ऑफ ग्रेब रेल का जो काम करेगा अगर साइड में अगर कोई लेडीज़ अगर बैठती हैं तो। एंड इधर देखते हुए चलते हैं तो फुटपैक्स जो है इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हेवी लग रहे हैं और रबर जो है वो भी काफ़ी अच्छा यूज़ करा है कंपनी ने और रॉयल एनफील्ड इनके अंदर भी लिखा हुआ है। तो अटेंशन टू डिटेल जो है वो देखने वाली बात होती है कि क्या कुछ कंपनियाँ जो है करती है छोटी छोटी जगह पर। ये 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है, फुटपैक्स जो है वो आगे की तरफ प्लेस किए गए हैं, अगेन ये क्रूज़र बाइक है तो जो बैठने का जो पोस्चर बनता है वो आगे की तरफ आप पैर रख के बैठते हैं और ये डेफिनेटली काफ़ी लग्जोरियस आपको फील भी करवाता है और आप लॉन्ग डिस्टेंस पर अगर क्रूजिंग करते हैं तो ये जो है आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट करेगा।
सेंटर स्टैंड दिया हुआ है ब्लैकआउट ट्रीटमेंट के अंदर, और ब्लैकआउट ट्रीटमेंट में ही आप लोगों को जो है ये साइड स्टैंड भी मिलता है। बाकी ब्लैक कलर का पेंट जॉब मिलता है इस पूरे इंजन के आसपास, यहाँ पर थोड़ा सा क्रोम अगेन मिल जाता है। अब ऊपर मैं आप लोगों को सीट के बारे में बता देता हूँ। तो जो फ्रंट राइडर सीट है इसकी कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, विड्थ भी काफ़ी अच्छी है। लाइक अगर आपका वेट ज़्यादा है, आप हेवी भी हैं, तो भी आप इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से बैठ पाएंगे। और 765 mm की सीट हाइट रखी गई है। रियर जो सीट है इसको और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है, बिकॉज जो इसकी विड्थ है वो थोड़ी सी कम लग रही है मुझे, और इसको थोड़ा सा अगर ज़्यादा मतलब लाइक वाइड होता तो ये थोड़ा सा ज़्यादा जो है कंफर्ट आपको प्रोवाइड करता। और कई बार अगर यहाँ पर ज़्यादा मतलब लाइक बिल्डअप पर्सन बैठा है तो पीछे स्पेस कम बचती है, तो ये जो पोर्शन है वो आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। बट ये कस्टमाइजेशन है, इसको आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। फ्यूल टैंक आप लोगों ने देखा, अब आप लोगों को हैंडल बार जो है वो दिखा देता हूँ। तो अगेन जो लीवर है, ये मिरर्स हैं, ये सभी आपको क्रोम वगैरह में मिलते हैं, ये एल्युमिनियम फिनिश के अंदर जो आप लोगों को मिलते हैं। स्विचेस की अगर बात की जाए तो ये पास स्विच आपको मिलता है, हाई बीम लो बीम, और यहाँ से टर्न इंडिकेटर्स, और ये हॉर्न काफ़ी अच्छा है। क्रोम ट्रीटमेंट में आप लोगों को ये इसका कैप मिलता है। अगेन ये जो कैप है वो डिटेचेबल नहीं है, ये अच्छी बात है, ये सिर्फ ऐसे ऊपर आता है, इसको आप ऐसे लगा सकते हैं, तो ये भी काफ़ी ईजी है। इस साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को ये जो इंजन किल स्विच और सेल्फ का स्विच जो है वो दिया हुआ है। इधर आप लोगों को हैजार्ड स्विच मिलता है, दैट्स ऑल एक्सेलरेटर, एंड ये आप लोगों को ऑयल फ्रंट ब्रेक के लिए। तो ये सभी चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से देखी। अब आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये बहुत अच्छा है, ईजी टू रीड है, बट एक इसका कॉन्स मैं आप लोगों को बताऊँगा। जैसे ये स्पीडोमीटर है सही है, पीछे में MID है, सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से दिखती है, दिन में भी आप अच्छी तरीके से दिख सकते हैं, जैसे ऊपर से अभी सनलाइट आ रही है। इधर आप लोगों को बैटरी का सिंबल, न्यूट्रल, गियर, अगर पोजीशनिंग इंडिकेटर भी इसके अंदर दिया हुआ है, अगर गियर चेंज होते हैं तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर जो है वो बता देता है। माल फंक्शन लाइट जो है वो आ रही है, ABS की लाइट ब्लिंक कर रही है। अब यहाँ पर एक स्विच और दिया हुआ है जिसकी वजह से आप इसको टॉगल कर सकते हैं, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ऑडोमीटर वगैरह जो है सभी चीज़ें यहाँ से देख पाएंगे। नेक्स्ट इसके अंदर आप लोगों को छोटा सा एक ये अलग से स्क्रीन मिलती है, इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन जो है वो काम करता है। आप रॉयल एनफील्ड का ऐप डाउनलोड करिए, एंड्रॉयड एंड iOS दोनों के ऊपर अवेलेबल आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे आप लोग जो है अपना टर्न बाय टर्न नेविगेशन ऑन करके उसे यूज़ कर सकते हैं। जो कॉन है वो ये है कि 6 to 7 PM के आसपास जब कभी अंधेरा होता है सर्दियों में, तो ये जो लाइट है इसकी वाइट लाइट है वो थोड़ा सा आपको आँखों में लगती है, लाइक चुभती है काइंड ऑफ बोल सकते हैं, अगर ज़्यादा देर आप कंटिन्यूसली राइड कर रहे हैं तो। बट 7 बजे के बाद में ये अगेन ब्लैकआउट या नाइट थीम के ऊपर जो है कन्वर्ट हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये शायद एक सॉफ्टवेयर बेस पे जो है अगर इसको अपग्रेड करना चाहिए या कुछ भी हो, या इसके अंदर एक ऐसा फीचर दे देना चाहिए था कि जिसकी ब्राइटनेस जो है वो अपन कम कर सकते हैं, तो ये फीचर अभी इसके अंदर और इसको बाकी है जिसको कंपनी कर सकती है। बाकी क्रोम का यूज़ जो है वो कंपनी ने काफ़ी अच्छी तरीके से करा है। बाइक दिखने में भी जो दूर से है काफ़ी अच्छी लग रही है, अपीलिंग है बाइक, और काफ़ी हेवी जो है फील हो रही है। तो रॉयल एनफील्ड की वन ऑफ द बेस्ट बाइक जो है इसको अभी तक की बोल सकते हैं। तो चला के देखने से पहले मैं आप लोगों को इस बाइक का एक बार साउंड सुना देता हूँ कि इस बाइक का जो साउंड है वो कैसा है। काफ़ी मेलोडियस साउंड है, साउंड सुनने में काफ़ी अच्छा लगता है, और एग्जॉस्ट सिस्टम के भी काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। तो डेफिनेटली आप लोग जो है जाके एक बार ज़रूर से चेकआउट करो। एंड रॉयल एनफील्ड दिल्ली गाज़ियाबाद में अगर आपको कहीं परचेस करनी है तो शोरूम का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं नंबर को और कॉल करके, और बाइक्स वगैरह जो है उसकी टेस्ट राइड भी ले सकते हैं, चाहें तो बुक करवा सकते हैं, डिलीवरी भी ले सकते हैं। सारे वेरिएंट जो है यहाँ पर अवेलेबल आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलिए अब चला के देखते हैं। तो चलिए चला के देखते हैं दी ऑल न्यू 2020 रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350। एंड सेल्फ का जो स्विच है वो काफ़ी अच्छा है, अट्रैक्टिव है, और उसे स्टार्ट करने में एक अच्छा सा फील आता है। एंड अब देखते हैं डायरेक्ट स्पीड ही इसकी। बाय द वे मैंने इसकी स्पीड चेक करी है तो अराउंड 120-122 के आसपास जो है ये जाती है। उसके बाद में जो है बहुत ही खतरनाक वाला स्ट्रगल और स्ट्रेच की इसको रिक्वायरमेंट पड़ती है, बट नो डाउट 0 to 80 काफ़ी फास्ट कर लेती है, 0 to 100 जो है ऑलमोस्ट थर्ड गियर में कर लेती है, और अभी आप लोग देख सकते हैं 110 तक तो मैंने यहीं पर इसको टच कर दिया है। तो बाइक की जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी टाइम पे जो है आ जाती है, 0 to 100 जो है वो बहुत अच्छी टाइम पे कर लेती है, विद इन जो मतलब सेकंड्स के अंदर ये स्पीड आ रही है। और जो टॉप स्पीड है वो तो मैंने आप लोगों को बताई दी, बट अभी यहाँ पे रोड्स नहीं है कि मैं टॉप स्पीड आपको करके बताऊँ, तो मैंने जो चेक करा था वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया है। अब बात करते हैं कम्फर्ट की, कम्फर्ट कैसा है। तो डेफिनेटली जब आप इसके ऊपर बैठेंगे तो सीट जो है एक बहुत ही अच्छी पोजिशन पर प्लेस की हुई है, ज़्यादा हाइट कम नहीं है, ज़्यादा हाइट ज़्यादा भी नहीं है। 765 mm की हाइट ऐसी है कि हर कोई बंदा लाइक इंडियन मार्केट में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जो इस बाइक को चला नहीं पाए। हाँ वो एक अलग बात है कि थोड़ी हैवी है, तो कोई
ज़्यादा नोन नहीं है हेवी बाइक्स से, तो उसको चलाने में प्रॉब्लम ऑफकोर्स आएगी, बट डेफिनेटली सीट की प्लेसिंग काफ़ी सही रखी गई है और सीट की जो कुशनिंग वगैरह है वो भी बहुत अच्छी है। हैंडल बार की पोजीशन अपस्वेफ्ट है तो वहाँ पे दिक्कत नहीं आती है, आपको ज़्यादा लीन वगैरह कहीं से कहीं तक होना नहीं पड़ता है, आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट रहती है, नेक स्ट्रेट रहती है और जो फुटपैक्स हैं वो फ्रंट सेट हैं, तो आप लोग जो है काफ़ी कम्फर्टेबल इस पर काफ़ी अच्छी टाइम तक क्रूज़ कर सकते हैं, तो कम्फर्ट के मामले में डेफिनेटली ये बाइक काफ़ी अच्छी है। अब नेक्स्ट जो बात निकल के आती है कि जैसे अभी मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, ट्रैफिक आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, तो ट्रैफिक के अंदर जो है थोड़ा सा ऐसा आपको लगेगा कि हैंडल जो है उसके अंदर वेट है, बट अगर आप पुरानी RE से इसके ऊपर अपग्रेड कर रहे हो तो ये बाइक आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगी मनूवर करना ट्रैफिक के अंदर, और चलाने में भी जो है आपको मज़ा आने वाला है, लाइक आप ईजीली जो है इधर उधर करके जिगजैग करके और जा सकते हैं इस बाइक से, तो वो कॉन्फिडेंस जो है ये बाइक आपको डेफिनेटली हर जगह देती है। बट अगर आप जब स्लो स्पीड पर होते हैं, लाइक या मूविंग बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चलता है, आप रुक रहे हैं चल रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा वेट जो है वो आपको फील होता है कि हाँ बाइक के अंदर थोड़ा सा वेट है, अगेन वो चीज़ कब वेट है और बाइक भी डेफिनेटली काफ़ी हैवी है तो वो तो फील होगा ही। अब जो सबसे अच्छा बात मुझे लगी इस बाइक के अंदर वो है इसकी ब्रेकिंग्स, ब्रेकिंग्स काफ़ी अच्छी है, रियर ब्रेक के अंदर भी जो है जैसे आप थोड़ा सा भी प्रेस करते हैं तो बाइक्स जो है वो आपको फील होने लग जाती है, फ्रंट ब्रेक जो है उसमें से भी बाइक्स प्रॉपर आ जाती है, तो ब्रेकिंग्स काफ़ी अच्छी है। और अब टर्न लग के देखते हैं, देखो इतनी बड़ी बाइक है और टर्निंग रेडियस कैसा है तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता देता हूँ, तो ये देखो काफ़ी ईजिली टर्न लिया मैंने, बिल्कुल भी मुझे वहाँ पर ऐसा फील नहीं हुआ। मैं एक्चुअली नोन हूँ, मैं अलग अलग टाइप की बाइक्स चलाता हूँ, तो इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको भी लेनी है तो डेफिनेटली एक बार टेस्ट ड्राइव ज़रूर से लेना। इकोनॉमिक वाइज बाइक काफ़ी अच्छी है, सारे स्विचेस वगैरह रीच में होते हैं और दिक्कत नहीं आती, बट हाँ ये पास स्विच जो इसका है ना वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लाइक उसकी हैबिट जो है वो आपको डालनी पड़ेगी। अब गियरबॉक्स की बात कर लेते हैं या स्वीट स्पॉट टेस्ट कर लेते हैं, एक काम करते हैं अगर अपने को थोड़ा सा रास्ता मिलता है तो यहाँ पर रुक के देखते हैं और फिर चलते हैं थोड़ा सा कि कहाँ से निकल सकते हैं, तो थोड़ा अभी आगे स्ट्रेच मिलेगा नहीं तो इधर से निकलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि गियरबॉक्स वगैरह जो है वो कैसे रिस्पॉन्स करते हैं और वाइब्रेशंस वगैरह के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए। तो अभी ये देखो थोड़ी छोटी छोटी इस जगह में से निकाल ली है मैंने बाइक को, कोई दिक्कत जो है वो मुझे ऐसा छाई नहीं है। क्लच जो है वो ज़्यादा हैवी नहीं है, ज़्यादा लाइट भी नहीं है, बट डेफिनेटली थोड़ा सा जो है वेट कैरी करता है। अब चलते हैं और बाइक का स्वीट स्पॉट टेस्ट करते हैं, तो फर्स्ट गियर हियर वी गो, 20, सेकेंड गियर 40, ओके थर्ड गियर come on, yes you can do it, 50, ठीक है 50, ओके 55, ओके 60 के आसपास जो है थर्ड गियर चेंज हो जाएगा, फोर्थ गियर लग जाएगा एंड अरे यार यहाँ पे स्ट्रेच नहीं मिल रहा है, फिर चेक करेंगे आगे चल के, कोई इशू नहीं है। तो बाइक को जब आप रोकते हैं आपको मिरर्स वगैरह जो है प्रॉपर तरीके से दिखते हैं, आप मतलब ऐसे खड़े हों तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती, बट थोड़ी सी भी अगर लीन करवाई लेफ्ट साइड राइट साइड में तो आपको थोड़ी सी ज़रूर से प्रॉब्लम आएगी। अब थर्ड गियर अगेन, ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 55, ओके 60, फोर्थ गियर 80, ठीक है यहाँ पर फुटपैक्स में वाइब्रेशंस आने स्टार्ट हो गए हैं मुझे और जो एक टैंक है वहाँ पर भी थोड़े बहुत वाइब्रेशंस ऐसे फील होते हैं वहाँ पर, कि लाइक अब जो है वाइब्रेशंस इस बाइक में सब जगह आपको जाते हुए नज़र आएंगे या फील जो है वो करना स्टार्ट करेंगे 80-85 की स्पीड के बाद में, बट उसके पहले जो है काफ़ी रिफाइन काफ़ी स्मूथ जो है वो चलती है, इंजन जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। जितनी भी रॉयल एनफील्ड की बाइक मैंने टेस्ट करी है डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट बाइक जो है वो अभी मैं चला रहा हूँ, वो मैं डेफिनेटली मैक श्योर 100% जो है कॉन्फिडेंस के साथ में बोल सकता हूँ। मीटर्स का मैं जो बोल रहा था ना कि ऐसा है कि थोड़ा सा आपको सेट करना पड़ेगा आउटर साइड में तो आपको पीछे का व्यू जो है वो प्रॉपर तरीके से आएगा, अदरवाइज जो अगर आपकी बिल्ड थोड़ी सी लाइक विड्थ आपकी ज़्यादा है तो आपके जो हैंड्स हैं वो उसमें वहाँ पर दिखेंगे। बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, गियर्स जो हैं वो काफ़ी स्मूथली शिफ्ट होते हैं, आप गियर स्लॉटिंग प्रॉपर तरीके से की गई है जिसकी वजह से जैसे ही आप गियर्स चेंज करते भी हैं तो आपको प्रॉपर फील आता है, फीडबैक वहाँ से सही साइड आता है और कभी भी जो है फॉल्स गियर की प्रॉब्लम मुझे इस बाइक में नहीं मिली, वो चीज़ भी काफ़ी अच्छी है। अब अगर बात की जाए कि माइलेज वगैरह कितना देगी, तो ऑन एन एवरेज आप लोगों को अगेन वापस से 350cc का इंजन है तो अराउंड 25-30 की एमपीएल के आसपास का माइलेज देगा, बट अगर आप बहुत अच्छी तरीके से चलाते हैं तो जो रिफाइनमेंट इसकी है वो अराउंड 30-35 के एमपीएल तक भी जो है माइलेज को लेके जा सकती है, वो चीज़ अपने ऊपर डिपेंड करती है। टायर्स वगैरह जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। सस्पेंशन की बात मैं कर लेता हूँ तो सस्पेंशन बैलेंस रखा गया है, ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा स्टीफर साइड है। उससे होता क्या है कि आप जब भी जैसे अगर ख़राब रास्तों में भी चलते हैं, मैंने इसको ख़राब रास्तों में भी चलाया है, तो वहाँ पर भी आपका कॉन्फिडेंस जो है लूज़ नहीं होता है और वेट इतना अच्छा है बाइक का कि वो चीज़ वहाँ पर आपको जो है बाइक को बिल्कुल भी अनबैलेंस जो है वो होने नहीं देती, बिल्कुल एकदम दब के चलती है, वो चीज़ वाली फील जो है वो आती है। और अभी जैसे ये बड़े बड़े पोर्टल्स वगैरह से बम्प से अगर निकलते हैं तो वहाँ पर भी बाइक जो है ऐसा नहीं हो रहा है कि कहीं एकदम
उछल रही है या कहीं से कहीं मतलब उसका बैलेंस बिगड़ रहा है, वो चीज़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो क्रूजिंग स्पीड की अगर बात की जाए तो 80-85 की स्पीड ऐसी है जहाँ पर आप विदाउट एनी लाइक वाइब्रेशंस या अच्छी वाइब्स के साथ में जो है वो कंटिन्यूसली क्रूज़ कर सकते हैं। जैसे ही उसके ऊपर लेके जाएंगे तो आपको थोड़ी देर तो मज़ा आएगा बट उसके बाद में फील इतना अच्छा आएगा नहीं। साउंड की बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज रॉयल एनफील्ड इज़ नोन फॉर देयर साउंड। तो साउंड के लिए एग्जॉस्ट के बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। जो बेसिक इसके अंदर स्टॉक एग्जॉस्ट है उसका साउंड काफ़ी अच्छा है, बट अगर आप फिफ्थ गियर में चल रहे हैं और आप क्रूज़ कर रहे हैं 80 की स्पीड पे तो एक नॉर्मल सा साउंड जो है वो कंटिन्यूसली निकलता है, वहाँ पर आपको कुछ ऐसा फील नहीं होगा कि बहुत ही ज़्यादा साउंड है। बट जैसे ही आप रैव करते हैं किसी भी गियर में लाइक मिड रेंज से टॉप एंड की तरफ जा रहे होते हैं तो वहाँ पर जो साउंड है वो जो थंप है वो बहुत ही प्यारा आता है। तो बिल्कुल भी कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि साउंड जो है वो फट रहा है या वो चीज़ नहीं होती है, थंप काफ़ी अच्छा लग रहा है। बेस तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक रहता है, इसका जो लो एंड टॉर्क है वो काफ़ी अच्छा है इंजन का, मिड रेंज परफॉर्मेंस भी ठीक है, बट टॉप एंड में बिल्कुल भी फ्लैट हो जाती है, वहाँ पर पावर बचता नहीं रहता है। बस ये रहता है कि हाँ आप उस स्पीड पे कंटिन्यूसली पहुँच जाओ और कंटिन्यूसली क्रूज़ करते रहो, वहाँ पर आप फिर अगर रेस देते भी हो तो बाइक जो है आपको रिस्पॉन्स देती नहीं है, बस धीरे 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 जो है वो पावर आपको मिलती रहती है, वो सारी बातें हैं। बट फर्स्ट इंप्रेशन की अगर मेरी बात की जाए या कंक्लूजन आपको बताऊं तो डेफिनेटली बाइक जो है वो काफ़ी अच्छी बनाई है रॉयल इनफील्ड वालों ने और जो प्राइस रखी है वो भी काफ़ी अच्छी है, तो एक बार आप लोगों को डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। तो ये था मेरा फर्स्ट इंप्रेशन दी ऑल न्यू 2020 रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 को लेकर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर दो। मैं कास बाइक स्कूटर्स की न्यूज़ रिव्यूज़ कंपैरिजन वाली वीडियो रेगुलर अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं। मिलता हूं कल इसी अगली वीडियो में, तब तक लेके बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड हाँ फ्रेंड्स, ड्राइव सेफ। We'll be right back.